नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछ रहा है क्रोनिक पॉइजनिंग ड्यू टू लेड इज नोन एज. बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है कि क्रोनिक पॉइजनिंग, क्रोनिक मीन्स एक एक टर्म होता है क्रोनिक, दूसरा टर्म होता है अक्यूट. तो जो क्रोनिक टर्म होता है, क्रोनिक टर्म इज लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म थिंग्स. ओके, अक्यूट क्या होता है? अक्यूट होता है लॉन्ग टर्म. वेट अ मिनट, अक्यूट एंड क्रोनिक. क्रोनिक पॉइजनिंग इज लॉन्ग टर्म पॉइजनिंग. एक्सट्रीमली सॉरी, आई गॉट कन्फ्यूज. ठीक है, जो क्रोनिक पॉइजनिंग होती है वो लंबी बीमारी होती है, लॉन्ग टर्म. ऐसी लंबी बीमारी क्रोनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग से लंबे समय से लेड कंजम्पशन की वजह से जो पॉइजनिंग होती है उसे आप क्या कहते हो? सैटर्निज्म, आर्सेनिकोस, आर्सेनिकोसिस, टाइलिज्म, हाइड्रोगायरिज्म. तो हाइड्रोगायरिज्म तो बिल्कुल भी नहीं, आर्सेनिको आर्सेनिकोसिस भी नहीं, क्योंकि ये आर्सेनिक की वजह से होता है, ये आर्सेनिक की वजह से होता है. टाइलिज्म भी नहीं, क्योंकि टाइलिन एक एंजाइम है सलाइवा का. तो बच गया सैटर्निज्म. सैटर्निज्म इज द करेक्ट आंसर. सैटर्निज्म इज करेक्ट आंसर. ये लेड पॉइजनिंग, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग को ही हम सैटर्निज्म कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय एन अनरिटेन्ड स्पीशीज टू पास थ्रू अ क्रोमैटोग्राफिक कॉलम इज नोन एज. तो कोई सा ऐसा टाइम, कोई ऐसा टाइम, द टाइम टेकन बाय एन अनरिटेन्ड स्पीशीज टू पास थ्रू क्रोमैटोग्राफिक कॉलम इज नोन एज. तो वो टाइम क्या कहलाएगा? रिटेंशन टाइम कहलाएगा, लैग टाइम कहलाएगा, फ्लो टाइम कहलाएगा, वॉइड टाइम कहलाएगा. तो वो ऐसा टाइम जो कि अनरिटेन्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज अनरिटेन्ड है, जब वो पास करेगी क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से, तो वो टाइम क्या कहलाएगा? रिटेंशन टाइम नहीं कहलाएगा, लैग टाइम प्रॉबली, फ्लो टाइम भी नहीं कहलाएगा. तो लैग टाइम या फ्लो टाइम हो सकता है, बट लैग टाइम भी नहीं ही होगा, बिकॉज इट इज वॉइड टाइम. दिस इज वॉइड टाइम. ये वॉइड टाइम होता है जब कोई अनरिटेन्ड स्पीशीज क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को क्या करती है, पास करती है, दैट इज वॉइड टाइम. ठीक है, अब हम बात करेंगे रिटेंशन टाइम. रिटेंशन टाइम के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर कर लो कि व्हाट इज रिटेंशन टाइम. कभी क्वेश्चन में रिटेंशन टाइम से रिलेटेड आ गया तो रिटेंशन टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ कंपाउंड स्पेंड्स ऑन द कॉलम आफ्टर इट हैज बीन इंजेक्टेड. तो रिटेंशन टाइम क्या होता है? रिटेंशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय, ओके, इज द टाइम, इज द अमाउंट ऑफ टाइम, सॉरी ये सेंटेंस थोड़ा ज्यादा करेक्ट होगा, इज द अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ कंपाउंड स्पेंड्स ऑन द कॉलम आफ्टर आफ्टर इट हैज बीन इंजेक्टेड. तो वो टाइम कहलाता है आपका रिटेंशन टाइम. ओके, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि ज्यादा पोलर सब्सटेंस, मोर पोलर द कंपाउंड एंड मोर इट विल अडियर टू द एब्जॉर्बेंट एंड द स्मॉलर द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल फ्रॉम द बेस लाइन एंड द लाइन इज लोअर एंड इट्स लोअर इट्स आरएफ वैल्यू. तो उसकी आरएफ वैल्यू लो कर देता है. ठीक है, ज्यादा पोलर कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिखते हैं. जितना ज्यादा पोलर कंपाउंड होगा
द मोर पोलर कंपाउंड ये ज्यादा अधियर होगा आपके एब्जॉर्बेंट से, ज्यादा अडियर होगा आपके एब्जॉर्बेंट से, और अगर डिस्टेंस स्मॉल हुआ सो इट विल ट्रैवल, सो इट विल ट्रैवल द बेस लाइन, it will travel the baseline, it will travel the baseline and lower its RF value. तो ये RF value को क्या कर देगा, low कर देगा ज्यादा polar compound. ठीक है, तो ज्यादा polar compound से RF value low होने के chances रहते हैं क्योंकि ये ज्यादा adhere होते हैं आपके absorbent surfaces से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है, विच ह्यूमन डीएनए क्वांटिटेशन स्टैंडर्ड वाज रिलीज्ड बाय एनआईएसटी, रिलीज्ड बाय एनआईएसटी फॉर यूज इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज इन 2007. तो जो डीएनए क्वांटिटेशन का जो स्टैंडर्ड है, विच ह्यूमन डीएनए ओके which human DNA quantitation standard was released by NIST. NIST क्या है, National Institute of Standard and Technology. NIST का कभी full form पूछ लिया तो याद रखना है, मैं यहाँ पे corner पे लिख देती हूँ, National Institute of Standard and Technology. तो यही स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के मेंटेन करके रखते हैं. तो 2017 में डीएनए क्वांटिटेशन, ह्यूमन डीएनए क्वांटिटेशन के लिए कौन सा ऐसा डीएनए क्वांटिटेशन का स्टैंडर्ड एनआईएसटीए ने रिलीज किया था 2007 में. तो इट्स SRM 2372, SRM 2513, SRM 2317 और SRM 2732. तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि ह्यूमन डीएनए क्वांटिटेशन का स्टैंडर्ड है, उसके अलावा बाकी के जो तीन है वो तो ह्यूमन डीएनए के क्वांटिटेशन के स्टैंडर्ड में ही नहीं आते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है SRM 2372, SRM 2372 ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. ये है आपका ह्यूमन डीएनए क्वांटिटेशन का स्टैंडर्ड, डीएनए क्वांटिटेशन का डीएनए क्वांटिटेशन का स्टैंडर्ड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64. ऑब्लिटरेशन कैन बी डिसाइफर्ड बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स यूजिंग, अगर ऑब्लिटरेशन करी गई है. ऑब्लिटरेशन क्या है, आपने कुछ चीज़ लिखी उसके ऊपर इंक डाल दी, कोई डार्क कलर का पेंट डाल दिया और उसे नॉन रीडेबल बना दिया, तो दैट थिंग इज ऑब्लिटरेशन. अगर मैं ये ऐसा करूँ कि मैंने इंक डिपोजिशन किया बहुत सारा इस वर्ड के ऊपर, तो ये मैंने इस वर्ड को ऑब्लिटरेट कर दिया, ये जो फिनोमिना कहलाता है ये ऑब्लिटरेशन का कहलाता है. ठीक है, तो ऑब्लिटरेशन अगर डिसाइफर आपने करनी है तो कौन सी फोटोग्राफी आपने करनी पड़ेगी ऑब्लिटरेशन हटाने के लिए, ऑब्लिटरेशन को रिमूव करके आपने जो चेक करनी है वो करने के लिए, आईआर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन. तो विजिबल रेडिएशन काम नहीं आएगा, एक्सरे, यूवी और आईआर का थोड़ा हो सकता है चांसेस. ठीक है, बट यूवी रेडिएशन भी ऑब्लिटरेशन को क्रॉस नहीं करेंगी, एक्सरे रेडिएशन क्रॉस कर जाएंगी ऑब्लिटरेशन और इंक दोनों को, ऑब्लिटरेशन और जो आपने डिसाइफर करना है उसको. आईआर रेडिएशन इज द करेक्ट रेडिएशन फॉर फोटोग्राफी, आईआर रेडिएशन इज द करेक्ट रेडिएशन फॉर फोटोग्राफी, जिससे आप ऑब्लिटरेशन क्या कर सकते हो, डिसाइफर कर सकते हो. ठीक है, आप इससे क्या कर सकते हो, ऑब्लिटरेशन डिसाइफर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65.
क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है, द पर्क्यूशन लॉक फायर आर्म वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, एक बारी और भी आ चुका है इस पेपर के अलावा भी, जो पर्क्यूशन लॉक फायर आर्म है, जो पर्क्यूशन लॉक फायर आर्म है वो किन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने जेम्स फोरसेथ ने, ये किसने किया था, जेम्स फोरसेथ ने किया था, पर्क्यूशन लॉक फायर आर्म डिस्कवर किया था, ठीक है, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछ रहा है, टोनर टाइप, टोनर फ्यूजन, स्प्लैटरिंग इफेक्ट, एंड्रम इफेक्ट मार्क्स आर यूज्ड टू एग्जामिन फॉलोइंग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो टोनर का टाइप आप देखोगे, टोनर का फ्यूजन आप देखोगे, स्प्लैटरिंग इफेक्ट देखोगे, ड्रम इफेक्ट देखोगे, किसमें, कौन से डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें देखोगे, इंकजेट प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में, इंटाग्लियर प्रिंटिंग में, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप ऐसे प्रिंटर में देखोगे, ओके, टोनर टाइप, टोनर फ्यूजन, स्प्लैटरिंग इफेक्ट, ड्रम इफेक्ट मार्क्स आर यूज्ड टू एग्जामिन फॉलोइंग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो ये सारे डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप टोनर टाइप देखोगे, टोनर फ्यूजन देखोगे, स्प्लैटरिंग इफेक्ट देखोगे और ड्रम मार्क्स देखोगे, वो कौन से डॉक्यूमेंट में होगा, इंकजेट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में, इंटाग्लियो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में, लेजर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में। तो ये लेजर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में आपको देखनी पड़ेंगी, ये आपको लेजर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फिंगरप्रिंट रेसिड्यू रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू मेक लेटेंट फिंगरप्रिंट विजिबल। बहुत सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है कि फिंगरप्रिंट रेसिड्यू में सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा तो लेटेंट फिंगरप्रिंट कैसे विजिबल होंगे, कौन से किस वजह से विजिबल होंगे, अमाइनो एसिड्स की वजह से, ग्लाइकोल की वजह से, क्लोराइड आयंस की वजह से, या वाटर की वजह से। तो ये क्लोराइड आयंस की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, क्लोराइड आयंस की वजह से होगा, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नाइट्रेट आयन है वो रिप्लेस हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी जो लेटेंट फिंगरप्रिंट है वो विजिबल हो जाएगी, इस वजह से क्लोराइड आयंस ही आपके इन्वॉल्व होने हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंस ऑफ फेनोमेलानिन हेयर पिगमेंट्स गिव हेयर विच कलर। तो ये जो फेनोमेलानिन हेयर है, फेनोमेलानिन है, मेलानिन तो आपका डार्क कलर देता है, ये फेनोमेलानिन है वो आपका रेड रेड कलर देता है, ठीक है, ये कौन सा कलर आपको देता है, रेडिश कलर, ये रेडिश आपको कलर देखने को मिलेगा हेयर में बिकॉज ऑफ फेलो फेलोमेलानिन, क्या कलर देता है, रेड कलर, रेडिश कलर देता है। और ये पिगमेंट्स, ये जो पिगमेंट है कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर में, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69-70 तक करते हैं, बाकी ये सेशन फिर ब्रेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्लास टू मेजर इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये हमेशा हमेशा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बैक लाइन इफेक्ट, देखने के लिए ही हम हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप आप ग्लास एग्जामिनेशन में उसका RI, दैट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, या बैकलाइन इफेक्ट यूज करके आप जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेक करते हो तभी ही यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बैलिस्टिक से है, फायर पिन फायर कार्ट्रिज हैव, पिन फायर कार्ट्रिजेस हैव a pin with one end protruding out of the cartridge and the other end is located close to the primer mixture inside the cartridge. ये हमने पढ़ा है, primer mixture is compressed in the rim, primer mixture compressed in the percussion cap fitted in the center of the base of the cartridge, a pin
in the part of mechanism which strikes the primer mixture of the cartridge. तो firing pin cartridge की बात हो रही है, तो firing pin cartridge, pin fire cartridge कैसा होता है? ये आपका cartridge है, यहाँ पे से एक छोटी सी pin निकली हुई होती है और यहाँ पे आपका primer mixture बना होता है. ये जो आपकी जो pin protrude out हो रही है ना, ये आपकी firing pin cartridges ऐसी होती हैं. तो इसका correct answer है option number one. A pin, one end is protruding out of the cartridge and other end is located close to the primer mixture inside the cartridge. अब ये firing pin strike करेगी और ये बाकी का पूरा का process आगे होगा. तो answer first is your correct answer. Next question पे हम next ये lecture यहाँ पे break करते हैं, फिर question number 71 से continue करेंगे. Okay. So if you have any doubt, कोई भी doubt हो तो please do let me know. We will discuss your doubt soon. और अच्छे से पढ़ाई करो. All the best for your preparation. Have a great, great day ahead. See you in the next class, जिसमें हम question number 71 से continue करेंगे. Okay, till then.